जब गांधी जी घूमते थे कहीं जाते थे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल गंदगी है, कुआं के नजदीक गंदगी है, घर में गंदगी है, रास्ते पर इतनी गंदगी है, और दूसरा उन्होंने देखा कि लोगों को कोई पढ़ने लिखने का कोई इंतजाम नहीं है, शिक्षा की उन्होंने देखा कमी। तो इन सब चीजों का असर, स्वच्छता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य के प्रति कोई जागृति नहीं। तो एक तरफ चंपारण सत्याग्रह हुआ और दूसरी तरफ लोगों को उन्होंने इस प्रकार से प्रेरित किया और गांधी जी ने 6 स्कूल खोले चंपारण। ये तो एग्रेरियन कमेटी बनी और सब कुछ एक वातावरण बदल गया और एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो घोषणा हो गई और बाद में कानून बना, कानून तो लागू भी हुआ लेकिन 1918 में लागू हुआ, लेकिन उससे एक वातावरण बदल गया। तो गांधी जी फिर भी कई जगह सबसे पहला स्कूल उन्होंने स्थापित किया पढ़रवा लखन से। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम पढ़रवा लखन से जाकर उस स्कूल को देख चुके हैं हर बार, और विद्यार्मा में तो कस्तूरबा गांधी वहां रहे। तो इस तरह से 6 स्कूल उन्होंने खुद बनाए। यहां तो पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, शिक्षक नहीं थे, तो सब उन्होंने आग्रह किया और बाहर से पढ़ाने के लिए लोग आए। तो हर क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, और लोगों को लगाया अगर लोग गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोग उस गांव में गए वहां की गंदगी को साफ करने लगे। तो लोगों के मानस में ये बात आने लगी कि साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो गांधी जी ने न सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के जरिए चंपारण के किसानों के तकलीफ को कम किया बल्कि उनके जीवन में यह संदेश भी दिया, स्वच्छता का संदेश, शिक्षा का संदेश, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागृति का।